इंडिया में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, चल रही मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने एडीजी जोन अमरेंद्र सिंगर ने सीतापुर का दौरा किया है। क्या पूरी जानकारी है? एडीजी ने कहां का दौरा किया है, क्या निर्देश दिए हैं, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता जी। तो सर बताएं, क्या पूरी जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल अरुणेश, आपने सही कहा कि आज जो है अमरेंद्र सिंह सिंगर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के जो हैं वो जो चौथे चरण का चुनाव चल रहा है इसमें सीतापुर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज लोकसभा 2024 के चुनाव में 13 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे हैं और चौथे चरण में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे जो है आई इंडिया आप जो है अपने दर्शकों तक हर एक छोटी से बड़ी अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सीतापुर जो है अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के अमरेंद्र सिंह सेंगर पहुंचते हैं। ये जो है जो आदर्श बूथ बना है मिशन गर्ल्स स्कूल में, वहां पर पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ उन्होंने वहां को परखा, वहां की व्यवस्थाओं को देखा और सराहा भी, क्योंकि जिस तरह से ये आदर्श बूथ बनाया गया है ये पूरी तरीके से ग्रामीण के प्रवेश में है। जैसा कि गांव का नजारा दिखता है वैसे ही जो है वहां पर बना हुआ है। और जिसके चलते आपको बता दें वहां पर उन्होंने जो है वहां पर देखा, मतदान कर्मियों से बात की, मतदाताओं से भी बात की। इस दौरान उन्होंने जो है पूरी तरीके से वहां पर सभी चीजों को बारीकी से देखा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर जो मतदाता थे वो भी लाइन में लगे हुए अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। जो बाहर जो बास्केट लगाई गई थी फूस की जो बनी हुई थी हाथों से जो महिलाएं बना रही थी उनको भी देखा, कालीन को भी जो कारपेट लगी थी वो भी देखा, अंदर जाके पूरा निरीक्षण किया और उसके बाद मीडिया से बात की। इस दौरान आपको बता दें कि उनके साथ में जो पुलिस महकमा भी मौजूद था, वहीं सीडीओ सीतापुर निधि बंसल भी मौजूद थी। आपको बता दें कि जो लखनऊ जोन है इसमें 10 जिले आते हैं और 10 जिलों में ये निरीक्षण कर रहे हैं। आज चौथे जो है चरण का मतदान हो रहा है तो हर एक छोटी से बड़ी वो अपडेट भी ले रहे हैं, जहां नहीं पहुंच पा रहे वहां से अपडेट ले रहे हैं। और उन्होंने मीडिया से बात किया, बताया कि उन्नाव और हरदोई का निरीक्षण भी उन्होंने कर चुके हैं और सभी तरीके जो है सभी जगह पर जो है समान मतदान चल रहा है। सो कोई भी कहीं भी छुटपुट किसी भी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी जानकारी दी है कि कोई भी कहीं कोई घटना नहीं हुई, सकुशल जो आज चौथे चरण का मतदान है संपन्न कराया जा रहा है। रुणेश, तो ये पूरी जानकारी है। आपको बता दें चौथे चरण के तहत 13 मई यानी आज सीतापुर में मतदान की प्रक्रिया जारी है। सीतापुर में मतदान को लेकर सुबह से ही लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसमें सीतापुर में 42% से अधिक लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग करके देश के लिए जो जिम्मेदारी निभाई है। आपको बता दें सीतापुर में 17,59,943 मतदाता जो है चुनाव में उतरे 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं, बूथों पर काफी सुविधाएं हैं जिसमें फर्स्ट एड की सुविधा आप देख सकते हैं, वॉलंटियर्स की सुविधा आप देख सकते हैं, इसके अलावा व्हील चेयर जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, पानी की व्यापक व्यवस्था की गई है, वहां पर जो है चिकित्सा विभाग की ओर से जो है टीमें तैनात की गई हैं, बीएलओ वहां पर जो है तैनात हैं मतदान कर्मियों मतदाताओं की जो है सुविधा के लिए। तो तमाम तरीके की जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां की गई हैं और मतदाता भी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में जो है हिस्सा ले रहे हैं। इसी का जायजा लेने जो है एडीजी जोन अमरेंद्र सिंगर आज सीतापुर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। मैंने अभी तक 2 जनपदों का भ्रमण किया है प्रातःकाल से। प्रातःकाल में अभी तक काफ़ी उत्साह है और करीब 30% से ज़्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और 1% बढ़ेगा। नहीं कहीं से कोई ऐसी प्रतिकूल सूचना नहीं प्राप्त हो रही है, सब जगह बहुत सुचारू रूप से निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। सीतापुर में 40% बढ़ रहा है सर। जी जी, सीतापुर हुआ, कन्नौज हुआ, तो इन 2 जिलों में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपके आपके जिला पड़ता सीतापुर, क्या क्या कहेंगे सर वो मतदाताओं से और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ये आपका अधिकार है, कर्तव्य भी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मतदान। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को
बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जात समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शत प्रतिशत मतदान कर सीतापुर में रिकॉर्ड बनाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।